नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। धामपुर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने चीनी सामान की शव यात्रा निकालकर उसका दहन किया। व्यापारियों ने चीनी सामान की शव यात्रा मोहल्ला अफगनान से शुरू कर नगर के विभिन्न मार्गों से होती हुई रेलवे फाटक पर आकर सम्पन्न की। शव यात्रा में शामिल व्यापारियों ने गो बैक चाइना, भारत माता के वास्ते चीन को लगा दो रास्ते, हिंदुस्तान जिंदाबाद, चाइना हाय हाय, चाइना मुर्दाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए। सरहद से सैनिक करे पुकार, चीनी माल का हो बहिष्कार, जैसे नारे लिखे तख्तियां वे पोस्टर हाथों में लिए उद्घोष करते हुए जनजागरण किया। यात्रा के समापन पर प्रतीकात्मक चीन के मुर्दे के साथ लाइट, लैपटॉप, चाइना डोर, घरेलू चीनी वस्तुओं को जलाया गया। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। मैं जावेद रहमान शमसी, मंडल अध्यक्ष पश्चिम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल। आज जो सब निकाल ले, क्या कुछ कहना है? ये चाइना जो कृत्य किया हमारे वीर सैनिकों के साथ, उसके लिए हमारे व्यापार मंडल ने संपूर्ण धामपुर में इस शिमपिंग की राष्ट्रपति की चाइना के एक ये शव यात्रा निकालना है विरोध में, और हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। हमारे निहत्थे और सीधे सच्चे हमारे जो सैनिक थे उनको उन्होंने शहीद किया है। हमारा व्यापार मंडल इसकी भत्सरना करता है, और जरूरत पड़ने पर हम अपने जितने भी व्यापारी हम तैयार है प्राण देने के लिए, बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं हम।